अच्छा, कभी कभार जब बादल घिरता है तो डर भी बहुत ज्यादा लगता है। इतना घनघोर बादल घिरा रहता है, इतना काला बादल घिरा रहता है कि भाई बहुत डर लगता है, जैसे लगता है कि अभी चू जाएगा, इतना डरावना बादल घिरा रहता है। लेकिन भैया क्या करेंगे, ये प्रकृति की खूबसूरती है, प्रकृति की यही खूबसूरती है कि जितना डराता है उससे कई गुना हंसाता भी है। हाँ, हंसाता इसलिए कि जब बारिश देखिए अगर होगा नहीं तो फसलें होंगी नहीं, ये पौधे जो दिख रहे हैं हरा भरा दिखाई नहीं देंगे, तो प्रकृति की खूबसूरती है। घिरेगा नहीं तो बादल होगा, बारिश होगा नहीं, बादल जब घिरेगा नहीं तो बारिश होगा नहीं, तो बादल जब घिरते हैं तो डर बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, इस समय घिर रहा है, बहुत खतरनाक मौसम बना है। देखिए पूरा अंधेरा छा गया है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। देखिए इस समय अंधेरा भी हो गया है और बल्ब भी जल रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, बल्ब टिमटिमा रहे हैं। हाँ, पीछे देखिए, पीछे देखिए टिमटिमा रहे हैं बल्ब। हाँ, वो टिमटिमा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं वो भी। हाँ, अभी अभी दुखी हो जाएंगे। जैसे ही बादल घिरता है, इधर लाइट बहुत तेजी से कटती है, जैसे बादल घिरता है लाइट बहुत तेजी से कटती है, जैसे लगता है कि मौका मिल जाता है लाइट काटने की। हाँ नहीं, काटना भी है, काटना भी जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए बादल घिरा हुआ, कहीं आंधी तूफान आ गया तो जानते हैं खतरा हो सकता है, तो बिजली विभाग काट देता है। अच्छा काम कर रहा है बिजली विभाग भी। हाँ, अच्छा काम कर रहा है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तब लाइट नहीं देता है। हाँ, ये भी अच्छा काम ही है। खैर छोड़िए, मौसम बहुत सुहावना है, हम उसका आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। आप भी आनंद लीजिएगा जब मौसम घिरे तो।